चलिए बात करते हैं डी पॉइंट की। हम सी पॉइंट तक डिस्कस कर चुके हैं, अगर मैं डी पॉइंट की बात करता हूँ तो ये डी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डी पॉइंट आपको ये बताएगा कि इंटीग्रेशन एक्चुअली होता कैसे है, क्योंकि मुझे कुछ फॉर्मूलाज बताने पड़ेंगे और फॉर्मूलाज को मैं रिलेट करके बताऊंगा, इसलिए इसका पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई आपका इंटीग्रेशन है लाइक किसकी तरह ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, तो मैं यहां पर इस x को कांस्टेंट मानता हूं और a को वेरिएबल मान लेता हूं। इस a को क्या मान लेता हूं? वेरिएबल। ये क्या है आपका? वेरिएबल। इसको क्या कंसीडर करें? इसको मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूं। तो सर यहां पर क्या आएगा? तो जिस दिन मैं a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा उस दिन ये भी क्या होगा? वेरिएबल ही होगा। क्या होगा? वेरिएबल ही होगा। तो सर यहाँ पे बताने वाली बात क्या है? बताने वाली बात यहाँ पर ये है कि जिस दिन यहाँ पर dA लिखा होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो डिफ्रेंसिएशन यानी इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? विद रेस्पेक्ट टू a हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, और क्या हो सकता है? सर इसमें यह हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। जैसे कि कल को कहीं पर आ जाए y dy तो उस दिन किसके रेस्पेक्ट में होगा? उस दिन y के रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के। जिस दिन यहां पर t dt आ जाए तो उस दिन किसके रेस्पेक्ट में होगा? t के रेस्पेक्ट में। और होगा तो क्या होगा? दैट इज y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहां क्या होगा? टी स्क्वायर 2 अपॉन सी। तो इसी तरीके से कल को यहां पर सिर्फ लिखा होता है डी जेड तो यहां पर क्या है? 1। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज जेड प्लस सी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे कुछ फॉर्मूलाज लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज लेते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज में किस तरीके से है? मेरा पहला फंडा देखिएगा, आप सबको पता है लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज की मैं बात कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है x टू दी पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन जानना चाहता हूं। तो आप सबको अच्छे से पता है कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करते हैं? x जो भी यहां पर पावर है उसमें एक पावर इंक्रीज करते हैं और अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट लगाते हैं। लेकिन सर जिस दिन यहां पर इसकी जगह कुछ और आ जाएगा उस दिन आप क्या करेंगे? तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पर अभी क्या है? 1 है साथ में। क्या है? 1। और 1 भी साथ में कहीं पर आता है। 1 कहां आता है? यहां पर इसके मल्टीप्लाई में आता है। लेकिन 1 कोई फर्क नहीं डालता यानी कोई इफेक्ट नहीं डालता तो हमने नहीं लिखा। लेकिन जिस दिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता यानी कि मैं आपसे पूछता कि ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स तो सर क्या होता? तो बिल्कुल एक्स की तरह ही होगा, यानी जो कुछ भी आपने ये लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे आप इसको। यानी किस तरीके से? सर ए एक्स प्लस बी होल पावर एन और अपॉन में एन प्लस 1 और ये प्लस सी। बट जैसे कि यहाँ पर x के साथ 1 था तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं बोल रहा हूँ आपसे, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो कुछ भी है ये कहाँ आएगा? ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि a यहाँ पर लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कल को मैं एग्जांपल के तौर पर अगर लिख देता हूँ 3x प्लस 7 की होल पावर 5 dx, सर तब क्या होगा? तो सर सिर्फ सिंपल सी बात ये होगी कि जिस दिन हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे 3x प्लस 7 एक पावर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 6। और नीचे क्या होता है? n प्लस 1, इट मीन्स 5 प्लस 1 यानी कि 6। और ये 3 कहाँ आएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फाइनल क्या लिखेंगे आप इसे? 3x प्लस 7 होल पावर 6 अपॉन 18 प्लस सी। ये पहले का एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए बात करते हैं दूसरे की, यानी जिस दिन मैं दूसरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करने जाता हूँ वो क्या है? 1 अपॉन एक्स डी एक्स। जो लोग भी थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन समझते हैं उनको पता है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। क्या होता है? लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस
सी। लेकिन जिस दिन क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट आए, यानी क्वेश्चन क्या आ जाए, जिस दिन क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, इस दिन क्या होगा? तो सर इस दिन भी काफी इजी है, क्या होगा? तो इस दिन होगा लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और यहां पर भी सिमिलर वही तरीका, जो एक्स के साथ है, जो भी एक्स के साथ है वो कहां आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा। ओके सर, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन ये डी एक्स अपॉन सेवन एक्स प्लस फोर होगा, तो उस दिन इसका आंसर लॉग ऑफ सेवन एक्स प्लस फोर अपॉन ऑफ सेवन आएगा। यस सर, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, क्लियर है।